अच्छा पूतना पुण्यात्मा थी कि पापी थी? हाँ पूतना पाप करती थी या पुण्य? कौन क्या करती थी? क्या करती थी? पाप। कौन सा पाप करती थी? सारे बच्चों को पकड़ के खा जाती थी, छोटे छोटे बच्चों को। जैसे आप लोग मछली का मांस खाते हैं, आप लोग मतलब जो खाते हैं, कुछ लोग मुर्गे का मांस खाते हैं, ऐसे पूतना बच्चों का मांस खाती थी। जैसे आप लोगों को शौक है बकरा काट के उसको खा लेना, आप लोग नहीं देखते कि वो कितना तड़पता होगा, कितना कष्ट होगा, क्यों उसकी हत्या हम करें। लेकिन नहीं, कुछ लोग तो अपने स्वाद के लिए जानवरों को धड़ल्ले से मारते हैं। ऐसे ही पूतना को भी लत लग गई थी, आदत बच्चों के मांस खाने की, खून पी जाती थी बच्चों का। ऐसी पूतना बड़ी पापनी थी। पूतना में अच्छाई थी कोई? क्या क्या अच्छाई थी पूतना में? बस अच्छाई ये थी कि पूतना पापनी तो थी, पर आज चल करके भगवान के पास चली गई, भगवान के करीब चली गई। और भगवान कहते हैं कोई कितना भी पापी हो, जो मेरे निकट आ जाता है, मैं उसके सारे पापों को भुलाकर उसे मोक्ष का अधिकारी बना देता हूं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जवहीं। पूतना ने एक अच्छा काम किया कि श्री कृष्ण को पकड़ लिया, उठाया और गोद में ले लिया। जो भगवान को पकड़ लेता है उसका कल्याण हो जाता है। पूतना ने किसे पकड़ लिया? भगवान। भले मारने के भाव से पकड़ा, भले जहर पिलाने के भाव से पकड़ा, पर पकड़ा। और भगवान कहते हैं जो मेरे शरण में आकर जो मुझे थाम लेता है, जब भक्त भगवान को थामता है तो फिर भगवान भी भक्त को थाम लेते हैं, पकड़ लेते हैं। फिर भगवान ये नहीं देखते कि आप में दोष कितने। भगवान कभी अपराध नहीं देखते। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। ओ मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। हे माँ, हमारे अपराध मत देखिएगा, हमारे पाप मत देखिएगा, क्योंकि हम तो बहुत बड़े पापी हैं। पर एक अच्छाई ये है पूतना में कि चली गई भगवान की शरण में।